दोस्तों, मैं हूं नस्सी तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये किनवट एक ऐसा गांव है जहां पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी के त्यौहार एक दूसरे को भाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के त्यौहारों में आते जाते हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में मुबारकबाद देते हैं। ये किनवट तालुके की संस्कृति है। किनवट में एकता की मिसाल यही है, क्योंकि ये किनवट में आज तक भी ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये किसी ने भी नहीं बोला। मेरी उम्र 47 साल के करीब है। मैं हिंदू भाई के महल में रहता हूँ रामनगर में, और वहाँ से ही मेरा बचपन और बड़ापन वहाँ से ही शुरू हुआ। और मेरे बहुत सारे हिंदू भाई भी है जिनके साथ मैं खेला कूदा बड़ा हुआ हूँ, और मेरे ख़ानदान वाले भी वहाँ पर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर किनवट में आज तक भी ये चीज़ देखने को नहीं आई कि किनवट में अभी तक ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई किसी ने भी नहीं बोला। और सब धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो किनवट की संस्कृति यही कहलाती है। हमें खुशी होती है, हमें बहुत फख्र महसूस होता है कि हम किनवट के रहवासी है और किनवट में ही पैदा हुए हैं। किनवट एक आदिवासी इलाके से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारा जंगल पाया जाता है, बहुत जंगल, घना जंगल हो। इस जंगल में तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा जो जंगल है इसमें सागवान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सागवान की लकड़ी दूर दूर तक मशहूर है, और किनवट में हर कोई मशहूर होने के लिए कुछ ना कुछ करता है। बहुत सारे यहाँ पर दोस्त है जो कि फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, बहुत सारे नेता लोग हैं, बहुत सारे अधिकारी है जो कि किनवट का नाम रोशन कर रहे हैं। IPS भी है, IAS भी है, यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे नौकरी वाले हैं, और बहुत सारे हर तरह के कुछ ना कुछ किनवट में करके गए हैं और किनवट का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बताने का मकसद यही है दोस्तों कि आपको किनवट की पहचान कैसी हुई, किनवट कैसे बना, किनवट का नाम कैसे पड़ा। और यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग गुजर चुके हैं उनका बलिदान ही किनवट के लिए शांतिपूर्वक है। और हमारे सर यहाँ पर पवार सर है, और उनके साथ में सहयोगी उनके दोस्त बालाजी है, और ये एक ऐसा काम कर चुके हैं कि हम आपको बताएंगे तो आपके दांतों तले उंगलियां आप सोचेंगे कि ये कैसा हो गया है। किनवट में एक ऐसा इतिहास रचा है कि आपको बताते हुए हमें भी खुशी हो रही है, कि बहुत खुशी हो रही है कि क्या बताएं आपको कि किनवट का इतिहास एक किताब, ये दोनों ने एक किनवट के इतिहास के ऊपर एक किताब लिखी है। किनवट का इतिहास बोल के, किनवट का इतिहास यही है कि किनवट में क्या क्या अभी तक हुआ है, कौन कौन गुजरे है, कैसा है जंगल, कैसा है उसके रहन सहन, कैसा है जंगल में, क्या क्या पाया जाता है, नदी नाले के बाजू में क्या क्या है, खरबी के जंगल में क्या है, और हमारे जो यहाँ के आदिवासी भाई है वो कैसे रहते हैं, उनका कारोबार कैसा है, और यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज कैसे पहले पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे, और संस्था पहली कौन सी संस्था यहाँ पर हुई, और बहुत से तरह तरह के ऐसे सवाल हैं जो कि आपको हम खुले अल्फाज में बताएंगे। वो सवाल यही है कि किनवट का इतिहास एक किताब आई हुई है, आप ज़रूर उसे ख़रीद कर
पढ़ेंगे तो आपको मालूम होएगा कि मुझे भी वो चीज़ नहीं मालूम थी, जैसा सर हम उनको बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं मालूम। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि मैं खुद परेशान हो गया कि ये कैसी चीज़ें हैं और मुझे मालूम होते हुए भी मालूम ना हुआ। तो हम पवार सर से बात करते हैं कि ये किनवट का इतिहास जो किताब लिखी है आपने कैसी लिखी है और इसके ऊपर लिखते हुए क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, ये आपको मराठी में विस्तार से बताएंगे क्योंकि बालाजी भी उनके सहयोगी है और ये मोटरसाइकिल पे जाते थे और इनके जो चप्पलें हैं वो घस चुके हैं। हमें भी बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर और हंसी भी आई क्योंकि ये लोगों से मिलते थे, लोगों से बात करते थे और हर गांव में जाते थे, हर गांव से मालूमात लेते थे कि कौन सी चीज़ यहाँ पर देख लेने आई है, कौन सी चीज़ यहाँ पर स्थापना हुई, कौन सी चीज़ ये हुई। तो हमें ये बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा किनवट बहुत तरक्की पर है। तो कुछ लोग यहाँ के वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें सहयोग किए हैं और कैसा कैसा इनको मदद मिली है और किनवट का इतिहास के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसा हुआ ये किनवट का इतिहास किताब लिखने में। धन्यवाद। मैं संतोष गोपीचंद पवार। जेव्हा कोरोना कालखंड होता त्यावेळेस माझे वडील हे कोरोनामध्ये वारलेत आणि त्यांनी जाता जाता मला असं सांगितलं की बाबा बेटा तू असं काहीतरी कर की सर्व जगाचं आणि विशेष किनवटच्या नागरिकांचं भलं व्हावं। या उद्देशामधून मी येथील 2 वर्ष संशोधन हे केलेलंच होतं आणि त्यांना पुन्हा वाढवलं, त्याची गती वाढवली आणि या जगामधला असं एक मेव शहर आहे किनवट की जे चारही बाजूंनी घनदाट जंगलांनी डोंगरांनी वेढलेलं शहर आणि मोठ्या प्रमाणात पक्षी प्राणी या ठिकाणी आहेत आणि विशेष करून हे एक मराठवाड्यामधलं एकमेव असा आदिवासी तालुका आहे आणि प्राचीन कालखंडामध्ये इथं मोठ्या प्रमाणात पक्ष्यांचा अधिवास होता आणि पक्ष्यांचं वन म्हणून संबोधलं जात होतं इथल्या जंगलाला आणि यामध्ये लाखोच्या संख्येत पोपटांची संख्या होती आणि संस्कृत भाषेमध्ये पोपटाला कीर म्हणून असं म्हटलं जात होतं आणि कीर वन हे असं नाव पडलं। अच्छा, कीर वन। हां, कीर बोले तो जो पोपट होता है, मिठू होता है, उसको कीर कहते थे और वन यानी के जंगल को कहते थे कीर वन। कीर वन या संस्कृत भाषेतील शब्दाचं पुढे अच्छा रूपांतरण झालं किनवट म्हणून पुढे चालून आणि हे जगामधलं एकमेव असं शहर आहे की ज्याचं पक्षावरून नाव पडलेलं आहे। हे जो गाव है किनवट नाम ये पक्षी के ऊपर यानी के परिंदे के ऊपर नाम रखा गया है, जो कि परिंदा यहाँ पर बहुत सारे जो मिठू है और तोते हैं बहुत सारे पाए जाते थे लाखों की संख्या में, तो उनका नाम के साथ ये किनवट नाम रखा गया है। किर वन यानी कि वन को जंगल कहते हैं और किर को पोपट कहते हैं, तो वो किनवट के नाम से रखा गया है। तो ये ऐसी इनकी सोच और निकाले सो है ये इतनी बारीकी से। देखो हमें भी मालूम नहीं था कि किनवट का मतलब क्या था बोल के, तो किनवट का मतलब है आप समझेंगे कि किनवट ऐसे रखे होंगे, लेकिन इन्होंने पूरे गांव किनवट तालुके की पूरी मालूमात उस किताब में लिखी है। दोस्तों आप ज़रूर, आपको थोड़ी भी मोहब्बत होंगी किनवट से और थोड़ा भी प्यार होगा किनवट से और किनवट के लोगों से, तो आप वो किताब ज़रूर लेकर ख़रीदें और सहयोग कीजिए क्योंकि
पवार सर ने इतनी मेहनत से लिखना, आपको एक चीज़ लिखो बोले तो आप नहीं लिख सकते दोस्तों, आपको एक छोटा सी भी एक कविता लिखो बोले तो नहीं लिख सकते, एक न्यूज़ लिखो बोले तो नहीं लिख सकते दोस्तों। इन्होंने पूरी किताब लिखी है पूरे किनवट तालुके के एरिए के बारे में, उसमें पक्षी के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में, त्यौहार के बारे में, अध्यक्ष के बारे में, काउंसलर के बारे में, नगर पालिका के बारे में, रोड के बारे में और पुल के बारे में, रेल के बारे में, ऐसे बहुत सारे चीज़ें इन्होंने उस किताब में लिखी है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे हुनहार लोग हमारे किनवट में पाए जाते हैं। तो इनके अलावा और भी क्या क्या है इसमें? जसं शिक्षणाची सुरुवात सर्वप्रथम किनवटमध्ये 1942 जुबली सराय ह्या प्राथमिक शाळेने झालेली आहे, आणि या किनवटमधली सगळ्यात पहिली संस्था जी कॉस्मॉपॉलिटन महाविद्यालय 1964 स्थापन झालं, तिथून एक शैक्षणिक चळवळ, आणि विशेष म्हणजे किनवटमधले जे महान समाजसुधारक आहेत प्रॉपरच्या लेवलला या आदिवासी भागामध्ये, जे म्हणजे एक माननीय खैरुद्दीन साहेब जे की नगरपालिकेचे मेंबर होते त्यांनी इथल्या जनतेच्या सुखदुःखामध्ये भाग घेतलेला आहे। रात्र असो दिवस असतो कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी त्या गरीब दरिद्री नागरिकांची सेवा मदत सहकार्य करण्यासाठी गेलेलं असं व्यक्तिमत्व एकमेव आहे ते। आणि दुसरं उत्तमरावजी राठोड यांनी किनवटच्या विकासामध्ये खूप मोलाची भूमिका निभावलेली आहे, तसंच सर ईसा खान, सरदार खान, जसेच राजया पटेल त्यांचे वंशज, आणि इथला जो समाज आहे त्या समाजामधले जे काही बरेच मंडळी आहे असे की त्यांनी सुद्धा इथं समाजामध्ये विकास घडवण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहे। आणि या ठिकाणचा जरा परिसराचा अभ्यास केला तर जसं खरबीचं जंगल आहे ते यवतमाळ जिल्ह्यामधलं येते, पैनगंगा या अभयारण्य अर्ध तिकडे येते, आणि विशेष पैनगंगेच्या इकडला भाग हा नांदेड जिल्ह्यामध्ये येतो। म्हणजे एकूण जंगलाचा परिसराने व्याप्त असलेला की या ठिकाणी जैवविविधता दिसून येते, जे की भारतामध्ये विषुववृत्तीय जो पट्टा आहे त्यामध्येच जास्त करून जैवविविधता दिसून येते। आणि केरळचा जो सायलेंट व्हॅली आहे, सायलेंट व्हॅली हे जैवविविधतेचं जंगल आहे, एकमेव जंगल आहे, आणि त्याच धर्तीवर किनवटचं पैनगंगा हे सुद्धा एकमेव जंगल परिसर आहे जिथं जैवविविधता दिसून येते। माझं एवढंच म्हणणं आहे की जगामधल्या सगळ्या तज्ज्ञांनी या ठिकाणी येऊन संशोधन करावं, जसं युनेस्को आहे, युनेस्कोने सुद्धा इथं लक्ष घालावं, इथल्या आदिवासींना सोयी सवलती द्यावी, केवळ आदिवासीच नाही तर इथला संपूर्ण समाज, या समाजाला न्याय मिळणं, रोजगार मिळणं आवश्यक आहे। इथले जे तरुण आहे सर्व काही जंगलावर जास्त करून डिपेंडेड आहेत, आणि ती अशी गव्हर्नमेंटनं सोयीसुविधा करावी दवाखान्याची वगैरे, इथं वैद्यकीय महाविद्यालय नाहीत, इथं गरीब जरण मुलं मुली बिमार जरण पडले तर त्यांना 150 किलोमीटर दूर जावं लागतं, इथं तशा सुविधा गव्हर्नमेंटनं द्याव्या का, तर नांदेड असो यवतमाळ असो हे 150 जवळजवळ किलोमीटर अंतरावर आहे, आदिलाबाद जिल्हा आहे पण तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात तिथं दवाखान्याचा सोयीसुविधा नाही, जर तिथं काही झालं तर यवतमाळ नाही तर नांदेड या दोन मोठ्या ठिकाणी न्यावं लागतं। अशी अवस्था डोंगर दऱ्याची असताना इथं सुविधा देणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं। तो सर जैसा की आप घूमते थे और गांव छोटे खेड़े पर जाते थे तो वहाँ पर के लोग आपको कॉपरेट करते थे या फिर आपको नहीं बोलते थे, या फिर आप उस गांव को कोई कॉपरेट नहीं करा तो उस गांव को छोड़ देते थे क्या, या फिर दो तीन बार जाकर फिर किसी से मालूमात लेते थे, तो इसमें क्या क्या परेशानियाँ का सामना करना पड़ा? इसमें बहुत परेशानियाँ है काउन, तर सगळ्यांची एकच मानसिक स्थिती राहत नाही, कोणी कोणी टेन्शनमध्ये राहतं, त्या अवस्थेमध्ये जाऊन विचारणं म्हणजे ते उत्तर देत नाहीत, मला माहीत नाही असं जास्त करून म्हणतात। एखादा असा व्यक्ती मिळतो की तो आपल्या कार्याला सहकार्य करतो, आपण दिल्या
विचारलेले प्रश्न यांना उत्तर देतो. जसं की आता जवरला आहे, हे राज्यपालांनी दत्तक घेतलेलं आदिवासी किनवटमधलं एकमेव गाव आहे जवरला. या ठिकाणी खूप प्राचीनसुद्धा मूर्त्या भेटलेल्या आहेत आणि विशेष करून निजाम कालखंडामध्ये जवरला या ठिकाणी न्यायालय होतं किनवटचं. अदालत होती वहाँ पर जवरला गांव में, यहाँ की किनवट की अदालत वहाँ पर थी. तो वो निज़ाम सरकार के टाइम पे की बात है. हाँ, तो उसके बाद फिर डेवलप होते होते, किनवट डेवलपमेंट होते होते जवरला को क्या कि थोड़ा अनकेट कर दिया और भूल गए. लेकिन फिर वहाँ के लोग और संघर्ष करके राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से कहे कि हमें उस गांव को डेवलप करना है. तो फिर राज्यपाल ने वो गांव को दत्तक लेकर फिर डेवलपमेंट किया है. तो उसके बाद में इसमें ऐसी क्या आपको जो भी देखने में चीज़, जैसे गांव वालों को दिखाने की चीज़ कौन सी है यहाँ पर? यहाँ के जो पारंपरिक व्यवसाय है, चिकित्सा है, जो ऐसे बहुत औषधि है कि उसकी मालूमात दुनिया को नहीं है. अच्छा, जैसे कि बहुत ऐसे वनस्पति है यहाँ पे कि उनकी मालूमात वर्ल्ड को होना अगर हुई तो उसमें और संशोधन होके और जागतिक लेवल का पेटेंट. अच्छा, आपने जो किताब लिखी है उस किताब में थोड़ी सी विस्तार से बताइए कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या लिखा गया है उसमें, जो किनवट नाम कैसे गिरा और उसके बाद में निजाम कालखंड में उसका विकास कैसे कैसे हुआ, यहाँ पे न्यायालय कब आया, यहाँ का पुलिस स्टेशन कब आया. अच्छा. उनसे पुलिस स्टेशन के पीआई कौन थे, न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे. अच्छा. तहसील कब आया, तहसील को क्या नाम था और कौन से एक्ट के अनुसार. अच्छा. यहाँ पे नगर पालिका उत्पन्न हुई 1942, यहाँ पे पूर्व पालिका. अच्छा. और उसके बाद 1956 का एक्ट के हिसाब से यहाँ की पूर्व पालिका का काम चला. अच्छा. और फर्स्ट टाइम 1967 में यहाँ पे नगर पालिका का काम चालू हो गया. और ऐसे एक्ट जो है वो एक्ट का भी इसमें है. और यहाँ के जो समाज है, बिलमी समाज. अच्छा. कोमटी समाज. अच्छा. मराठा समाज, ऐसे सब समाज का इसमें विवेचन है. अच्छा. और यहाँ की एजुकेशन लाइफ कैसी है वो उसका भी विवेचन इसमें है. अच्छा. विशेष बोले तो रेलवे. अच्छा. रेलवे पटरी बनते समय कौन कौन से घटना घड़ी, जो कि बहुत बहुत बड़े बड़े पुल. अच्छा. यहाँ पे बने नदी पे, नाले पे, वहाँ उस टाइम में कैसे क्या हुआ और कब रेलवे लाइन हुई और पहली रेलवे कब चालू हुई. अच्छा. इसका भी विवेचन. तब टिकट कितना था, आप कितना है, आप तो सब मालूम है लेकिन तब कितना था. हाँ, और कितने डब्बे थे, बस का क्या था, बस कब चालू हुई, ऐसा सब विवेचन. और यहाँ पर पहली टीवी कब आई. हाँ. और यहाँ पर साइकिल और उसके बाद मोटरसाइकिल स्कूटर. हाँ, सबसे पहले स्कूटर क्रिश्चियन जो है. हाँ. वो अमेरिका से यहाँ पे पहली स्कूटर लाया. अच्छा अच्छा. हाँ, गोकुंदा महात्मा फुले जो स्कूल है. हाँ. उसके पीछे उसका बंगला था. अच्छा. तब सबसे पहले वो अमेरिके से स्कूटर आई थी यहाँ पे. ऐसे स्कूटर आई थी. हाँ, ऐसे बहुत कुछ है उसमें लिखा हुआ है, बहुत कुछ. तो आपका यही निवेदन है कि लोगों को किनवट का इतिहास की किताब जो है वो पढ़े. तो युवाओं को, आज की युवा जो है वो पिछला भूल चुकी है संस्कृति, जो हम कैसे रहते थे, कैसे बैठते थे, कैसा हम एक दूसरे से मिलते थे. और आजकल का ज़माना क्या है, टीवी का और मोबाइल का ज़माना हो गया, इंटरनेट का ज़माना हो गया, 4G 5G का ज़माना हो गया. तो इसलिए ये कह रहे हैं कि उस किताब में जब से किनवट की स्थापना हुई अब तक वो बारीकी से लिखी हुई किताब है, किनवट का इतिहास. तो ये आप ज़रूर पढ़ें लेकर,
और जो भी कीमत है, कीमत से कुछ नहीं है। हम होटल में गए या फिर हमारा पबजी ख़त्म हो गया, नेट ख़त्म हो गया, तो हम 200-500 रुपए का रिचार्ज मारते हैं, फिर उसमें हम नेट चलाते हैं। तो यही इसका मकसद है कि आप इस किताब को ज़रूर लें और ज़रूर पढ़ें और ज़रूर देखें कि इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या इसमें देखा गया है। और आप जनता से आखिरी अपील क्या करना चाहते हैं? ये जो किताब है युवा पीढ़ियों के लिए है और आगे जो इतने भी पीढ़ी आएंगे उसके लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यहाँ इसके सहयोगी आप सब बन सकते हैं, क्योंकि मैं 2 साल संशोधन किया, रिसर्च किया, इसलिए आपका भी सहयोग, ये मेरा किताब नहीं है, आपका भी है, इसलिए सब सहयोग करें इस किताब के लिए। तो थैंक यू पवार साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की और इस किताब को लिखने के लिए। आप सोचेंगे कि इनके नाम के वजह से ये कर रहे हैं, या फिर आप सोचेंगे कि ये किताब खरीदेंगे तो इनका फ़ायदा होगा। नहीं दोस्तों, गलत सोच है आपकी, और आप सोचो भी मत वो चीज़ों को, उतनी दूर तक जाओ भी मत। क्यों मत जाओ? क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किन्वर्ट का नाम उस किताब में आ रहा है, उस किताब में पूरा इतिहास लिखा जा रहा है किन्वर्ट का, तो हमें उस किताब को ख़रीदने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई संकोच ना हो हमारे दिल में कि हम उस किताब को लें। उस किताब को ज़रूर लें दोस्तों, उस किताब को लेकर ज़रूर पढ़ें कि वो किताब कैसी है, इन्होंने कैसी मेहनत की उस किताब के लिए, कहाँ कहाँ गए, किस एरिए में गए, किस गांव में गए, किस संस्कृति के लोगों से मिले, संस्कृति के त्यौहारों के बारे में, ये सब डेवलपमेंट के बारे में उसमें लिखा गया है। हमें बहुत खुशी हो रही है इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि हम पवार साहब को हमारे तरफ से सलाम अर्ज करना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा हिम्मत दिखाकर ये काम किया है। तो इतना ही इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ दोस्तों, किन्वर्ट का इतिहास और किन्वर्ट के बारे में ज़रूर उस किताब को ख़रीद कर पढ़ें। तो जब भी आएंगी तो आपको हर एक बार हम इत्तला कर देंगे और उसकी कीमत भी बता देंगे, तो वो कैसी है और किन के हाथों से इसका उद्घाटन होगा वो भी आपको हम इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए बताएंगे। तो ज़रूर इस किताब को पढ़ें युवा पीढ़ी ख़ास करके, और हमारे बुज़ुर्ग बहुत सारे, हमारे यहाँ के इतिहासकार ईसा खान साहब और हमारे यहाँ के बहुत सारे और भी बुज़ुर्ग हैं जो कि हमें बार बार बताते हैं कि किन्वर्ट में ऐसी ऐसी घटना हुई, किन्वर्ट में ये हुआ ये हुआ, तो उनके मुंह से तो सुनते ही हैं हम, उनके ज़बान से सुनते ही है बहुत प्यार से सब लोगों से। लेकिन इसमें भी, किताब में भी आप देखें कि ये खुद क्या लिखे हैं और कैसी इस किताब को बनाए हैं और इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। इतना ही इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ दोस्तों। देखते रहिए आज की न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यूज़ पसंद आई तो दोस्तों आगे शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है दोस्तों, जिन लोगों तक ये न्यूज़ नहीं पहुंचती, आपके एक शेयर के ज़रिए, एक सेंड के ज़रिए ग्रुपों में पहुंच जाएगी। ग्रुपों में पहुंचने का मतलब यही है दोस्तों कि हम ऐसी कोई न्यूज़, जैसा कि आपके दिल को तकलीफ पहुंचे वैसी कोई न्यूज़ नहीं डालते हैं, सच्ची और अच्छी खबर डालते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जैसा कि हम हमेशा लाइव दिखाते हैं, लाइव बताते हैं, लाइव अपडेट रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि क्योंकि ये भी किन्वर्ट का इतिहास ही है, इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए ही बताना चाहते हैं। तो आप ग्रुपों में शेयर करें, और आपको पसंद भी आया हूँ न्यूज़ या फिर आप इस किताब के बारे में कुछ बोलना भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखने से क्या होता है दोस्तों कि आपका नाम उस कमेंट के ज़रिए आता है। लाइक करने से सिर्फ लाइक का बटन आता है और उसमें नाम नहीं आता। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि सर हमने बटन दबाया है, हमने सब्सक्राइब करने के लिए एक ही बात दबाना चाहिए, लाल बटन को, वो हो जाएगा सफ़ेद,
तो आप हमारे इस न्यूज़ चैनल के मेंबर हो चुके हैं, लेकिन बार बार उसको दबाते रहेंगे तो आपको वो न्यूज़ नहीं मिलेगी और आप हमारे मेंबर नहीं बनेंगे। तो एक ही बार सब्सक्राइब का बटन दबा दें और लाइक का बटन दबा दें और नीचे कमेंट लिखें कि वेरी नाइस, वेरी गुड, सैड, बैड, ये जो भी है बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हैं। मैं किसी से खफा या नाराज़ नहीं होता हूँ। लोग लड़कियों के से नाराज़ हो जाते हैं, मुँह छुपा लेते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, आपकी एक कमेंट मेरे लिए हिम्मत, आपका एक लाइक मेरे लिए हिम्मत, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए हिम्मत। और ये सर जो पवार सर है, इनके लिए भी ज़रूर आप कमेंट करें और ज़रूर आप इस किताब को ख़रीद कर पढ़ें और ज़रूर इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए सब तक पहुँचाएँ। यही इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ। देखते रहिए आज की न्यूज़। थैंक यू, सेफ रहें।